शिवपुरी के बैराड़ में देर रात अवैध रूप से पटाखे बनाते वक्त एक मकान के भीतर धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत हवा में उड़ गई, वहीं घर की दीवार भी धराशायी हो गई। ब्लास्ट के वक्त घर में 3 लोग थे जो धमाके की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। दिवाली से पहले घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। बैराड़ में आजाद खान चोरी छुपे अपने घर में पटाखे बना रहा था, उसी समय घर में विस्फोट हो गया। इस घटना में घायल हुए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए बैराड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मकान मालिक आजाद खान की हालत बिगड़ने पर उसे शिवपुरी रेफर किया गया। इस घटना में आजाद की पत्नी रुखसाना और बेटा इसराइल भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके सिर में चोटें लगी हैं। वो तो गनीमत रही कि घर में ज्यादा बारूद नहीं रखा था, वरना नुकसान ज्यादा होता। घटना की जानकारी मिलते ही रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर से अवैध रूप से पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद के अलावा बाकी सामान को जब्त कर लिया। इस इलाके में कई घरों में ऐसे ही अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। इसके बाद कुछ दिन तक तो सख्ती रहती है, फिर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी धंधे में जुट जाते हैं। दिवाली के वक्त ये काम और बढ़ जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिस घर में ये धमाका हुआ उसके आसपास के भी कई मकानों की जाँच की जा रही है ताकि दोबारा ऐसी वारदात ना हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।